लगा लें दोबारा फोन करके, गाड़ी आई है पास। भाई बताओ क्या? आपको कोई दिक्कत है हमारे होते हुए? अगर है। परेशानी है आप बताओ। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपकी है, आपकी सेवा में हम इधर खड़े हैं और आपका ये त्यौहार और सब सीजन अच्छा जाए, परिवार आपका अच्छा पालन पोषण हो, उसका अच्छे पैसे कमा के घर में जाओ, ठीक है, उसके लिए हम आपकी क्या सेवा में उपस्थित हुए हैं, ठीक है जी। ये हमारा मकसद है उनको पूछने के लिए, इसलिए हम उनके पास जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा बदलाव ये है, टर्निंग पॉइंट यहाँ की राजनीति में, कि हम लोग खुद जनता के पास जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि लोगों की समस्या सुनने के लिए एज ए मेयर और मेरे ये पार्षद भाई और बहन ये खुद ज़मीन पे उतरे हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, फेस्टिव सीज़न है, अच्छा उनका त्यौहार चले, अच्छी सेल हो और खुशी खुशी घर जाएं और अपना समाज और परिवार दोनों के लिए काम करें। मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी है इस त्यौहार के समय में किसी को कोई तंग नहीं करेगा और कॉरपोरेशन में मैं जनता की सेवा के लिए सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वहाँ मैं बैठा हूँ। आप अगर नहीं आ सकते हैं मुझे फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा और आपकी समस्या का समाधान निकालूंगा, लेकिन काम सारे एक नंबर के होने चाहिए। राजेंद्र सर, एक तरफ लोगों को जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी काफ़ी शिकायतें जो है वो देखने को मिल रही हैं, आप किस तरह से उनकी शिकायतों को ज़मीनी स्तर पर दूर करने का प्रयास करेंगे? हम एक पॉलिटिकल रीओरिएंटेशन प्रोग्राम चला रहे हैं वहाँ जीएमसी में, उसमें भाजपा के जो पार्षद थे और पार्षदा थी उनको मैंने वहाँ बुलाया था, उनका हो गया है। आज रात को जो हमारे निर्दलीय पार्षद भाई और बहन थे आज उन हैं, उनका होगा। और वहाँ हम जो मुझे इशू बता रहे हो यही बता रहे हैं कि इसको हमने किस ढंग से आगे चलना है ताकि ये अच्छा सिस्टम बनते हुए ये इशू रिजॉल्व होते जाएं हमारी। और उसमें आप हफ्ते में ही देखोगे, अभी आपको काफ़ी चेंज नज़र आएगी। जैसे ये भी एक चेंज है, हम सभी पार्षद जहाँ इकट्ठे हुए हैं लोगों के पास जा रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारा जेएमसी का काम करने का तरीका है वो भी चेंज होने वाला है, और मैं सब खुलासा नहीं करना चाहता यहाँ। ऐसा क्या बदलाव जो है वो जेएमसी में होगा? उसके लिए अलग से मैं आपको बुला रहा हूँ और आप देखेंगे खुद, मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूँ, ये चेंज नज़र आएगी आपको, बदलाव नज़र आएगा। डायरेक्टिंग अथॉरिटीज़ एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि जब जनता का काम नहीं तब होता है जब लीडरशिप स्ट्रांग ना हो, जब लीडर स्ट्रांग होगा जनता का काम भी होगा, क्योंकि काम जनता के नहीं होते हैं। तो इसलिए मुझे लीडरशिप को स्ट्रांग करना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग, और काम करने को तरीकों को चेंज करना है। बदलाव खुद ही आएगा सारा, और ऐसा हो नहीं सकता बदलाव ना है। राजेंद्र जी, अभी फव्वारों को लेकर भी एक नई डिस्कशन जो है वो मार्केट में चल रही है कि फव्वारे जो है वो चल नहीं रहे हैं, क्या उसको भी जमीनी स्तर पर ठीक करने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल किया, जो भी समस्याएं हैं हम उसके समाधान निकालेंगे। जैसे आपने फव्वारे के लिए बोला है, मैं आज ही उस पर कार्रवाई करूंगा और विद इन डेज देखना फव्वारे आपके चलेंगे। मैंने कहा कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है, लेकिन मन साफ होना चाहिए और नीति साफ होनी चाहिए, और वो हम सब की है। आपने देखा इट इज़ ए हिस्ट्री इन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जहां सब भाई बहनों ने सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर कि डेवलपमेंट फॉर जम्मू, उसके लिए काम करने की प्रण लिया है, तो काम क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। धन्यवाद आपका। कि हमें राजेंद्र जी से बड़ी उम्मीदें हैं और ये एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ये जो काम पकड़ते हैं उसे कंप्लीट भी करते हैं। मैं इनको आज का नहीं जानता, काफ़ी पिछले सालों से इनको जानता हूँ, और एक मेहनती और ईमानदार जागरूक नेता हैं ये, और उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले टाइम में शहर की कायाकल्प होगी।
और इनकी जो भाग दौड़ है वो ये दिखा रही है, इनकी बॉडी लैंग्वेज जो दिखा रही है, और ये मेहनत से काम करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। इनके अंदर कोई छोटा बड़ा का चक्कर नहीं है कि मैं मेयर हूँ, मैं किसी को मिलूँ ना मिलूँ, ये ऐसी बात नहीं है। और ये भी मैं कह सकता हूँ दावे से, इनके दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। कोई समस्या होगी तो इनके पास जाएंगे और उसका समाधान ज़रूर निकलेगा। देखो जी, एक तो बड़ा अच्छा लगा, मेयर साहब खुद आए हैं, मार्केट में आए, दौरा कर रहे हैं, अच्छा है। बट अब आगे आगे जो अब देखते हैं फ्यूचर में, कुछ प्रॉब्लम जैसे दुकानदारों की प्रॉब्लम्स आती हैं, म्यूनसिपैलिटी वाले काफ़ी दुकानदारों को तंग करते हैं, बेवजह तंग करते हैं, और भी कुछ जो इशू होंगे उसके लिए मेयर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अछाना बिछाना आपके साथ चलेंगे। तो हमें उम्मीद है, मेयर साहब आए, नया कार्यकाल उन्होंने स्थापित किया है, तो मैं भी अच्छा काम करेंगे जी।